हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के दिन बात करने वाले हैं, सबसे पहले एक वीडियो से रिलेटेड और अगले वीडियो में बात करेंगे मार्केट कब तक गिरेगी। ओके, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। और जब जब हमने यहाँ पर देखा है कि मार्केट यहाँ पर गिरेगी, तो तब तक वहां से रिटर्न होती हुई भी नजर आई है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक्स की कि आप यहाँ पर केपीआईटी को छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए बिरला सॉफ्ट को, अब इस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। आने वाले कुछ टाइम में ये शेयर आपको एक मल्टी बैगर के रूप में यहाँ पर उभरता हुआ आएगा, बेहतरीन पैसा बनता हुआ नजर आएगा। क्यों इस बात को कह रहा हूँ? क्योंकि उसके फंडामेंटल्स ये कहते हैं, उसका चार्ट पैटर्न ये कहता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके के वीडियो डेली बेसिस में मिलते रहे। बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करिए। इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए और दूसरी वीडियोज को जाइए देखिए, वहाँ पर उन्हें लाइक जरूर कर दीजिए, प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो कल की डेट में यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी। ओके, यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर आपको ये शेयर आपको भागता हुआ दिखाई देगा। देखिए इस शेयर में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बहुत जल्दी यहाँ पर पड़ेगा। बट यहाँ पर बात करें कल ब्रेकआउट की, तो यहाँ से मैंने आपको बताया था 20 से 30, तो खुलते ही साथ ओके 15 मिनट के अंदर अंदर 5-6% ऊपर भाग भी गया था ये शेयर। बट वहां से रिट्रेस होकर नीचे आ गया था, जस्ट बिकॉज मार्केट में प्रेशर था, तो ये स्टॉक्स भी भाग नहीं पाया। बट बहुत जल्दी है, जैसे कि 20 से 10-15 दिन में ही देखते हुए दिखाई देगा, 20-30% के तो देता हुआ दिखाई देगा, बिलीव मी। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। जिस स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। 1165 रुपए पे ये शेयर यहाँ पर हाई बनाया है इसने कुछ टाइम पहले। 1029 रुपए पे ये शेयर यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है। जब ये शेयर 945 रुपीज के आसपास था, तब हमने यहाँ पर बाइंग करी थी और आपको बताया भी था उस तरह से अगर आप दो बार भी यहाँ पर पैसा इस तरीके से बेच के सेल करते तो अच्छा खासा पैसा बन जाता। बट बेच के सेल करने वाला नहीं है, थोड़ा सा टाइम अगर आप रखोगे इसे थोड़ा सा, तो अच्छी तरीके से आप पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी देखेंगे, आज की डेट में 12 लाख शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए, बट उसमें से भी 8 लाख शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे यहाँ पर उठाया गया है, 66% की डिलीवरी है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पैरामीटर्स की अगर हम बात करें, तो एनालिस्ट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर मीट है यहाँ पर, फंड रेजिंग से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, और जब यहाँ पर फंड रेजिंग से फंड रेज किया जाएगा तो ऑब्वियसली आता है शेयर दोबारा भागता हुआ दिखाएगा। मार्केट में प्रेशर है, ये शेयर नीचे आता हुआ दिखाई देगा, बट बहुत जल्दी ये शेयर आपको रिकवर होता हुआ दिखाई देगा और बेहतरीन रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे, बिलीव मी। रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, किस तरीके के रिजल्ट आए हैं वो हम देखेंगे। बट यहाँ पर बात करें 69.37% शेयर यहाँ पर इस प्रमोटर्स के पास है, बट कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है, दिस इज अ पॉजिटिव साइन। जिस शेयर से रिलेटेड बात कर रहे हैं उसका नाम है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में चार्ट पैटर्न भी डिस्कस होगा, लास्ट में बात की जाएगी यहाँ पर बहुत सारी चीजों से रिलेटेड। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो SBI कार्ड्स की बात करें तो इंडिया में नंबर वन पे यहाँ पर HDFC आता है, बट यहाँ पर कार्ड केवल यही शेयर लिस्ट है, तो यहाँ पर एक मोनोपोली टाइप में यहाँ पर इधर इस बिजनेस में यहाँ पर इसे फायदा होता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये शेयर ऑलरेडी जहां से गिरा है, जहां पर इसने लो बनाया था, वहां से लगभग पैसा डबल कर चुका है, इस बात को भी याद रखिएगा। यहाँ पर बात करें क्रेडिट कार्ड ये इशू करता हुआ दिखाई दे रहा है, और SBI के अगर आप डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे रहेंगे ना आज, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑफर मिलते हुए दिखाई देते हैं 10-10% के SBI कार्ड्स के ऊपर। यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो सेल्स में 10%, यहाँ पर अमेजोन पे जाएंगे तो 10% की प्रॉफिट यहाँ पर। तो इस तरीके से इनके कार्ड एक भी नहीं, अलग अलग इसने यहाँ पर IRCTC के साथ यहाँ पर टाइप कर रखा है, वहां से बुक करें तो यहाँ पर फायदा होता है वो दिखाई देगा। इसके अलावा अलग अलग यहाँ पर बात करें FBB के साथ इन्होंने यहाँ पर टाइप अप कर रखा है, देखिए अमेजोन, अपोलो, बुक माई शो, क्लीन ट्रिप, डाइन आउट, लेंस कार्ड, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर प्लेटफॉर्म के साथ इन्होंने क्या कर रखा है, टाई अप्स कर रखे हैं। और यहाँ पर देखिए पेट्रोल वगैरह आप यहाँ पर फिल कराते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। और कंपनी यहाँ पर देखिए दूसरी कंपनीज क्या करती है, फ्री में आपको कार्ड अलॉट करती है। ओके, एनुअल चार्जेस कुछ नहीं होते, बट यहाँ पर अगर बात करें दूसरी सबसे बड़ी है, और यहाँ पर एनुअल चार्जेस क्या है, आप कुछ लीजिए या मत लीजिए 500 रुपीज और इंक्लूडिंग GST 600 का पड़ता है, 600 रुपीज में मंथली कार्ड यहाँ पर चार्जेस देने ही पड़ते हैं। देखिए मेरे पास भी कार्ड है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। रिवॉर्ड्स वगैरह भी अच्छे खासे यहाँ पर
कई कार्ड अलग अलग टाइप के यहाँ पर मिलते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है यहाँ पर मार्केट कैप। मार्केट कैप की बात करें 1 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। पी की बात करें 96 की है। डेट की बात करें, डेट की बात करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड काम करती है। डेट देने का, बोरोइंग देने का काम है ही। आरओसी 10, आरओसी आरओई यहाँ पर 16%, आरओसी यहाँ पर 10% की है। काफी बेहतरीन है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। इसके अलावा 1165 से ऑलरेडी यहाँ पर शेयर नीचे आ चुका है। 10 रुपए की फेस वैल्यू है। फ्यूचर में स्प्लिट होता है वो भी दिखाई देगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न है और काफी टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। कब से कर रहा है वो एक चीज आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर बात करें ईयरली बेसिस पे, कंपनी का ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट यहाँ पर इनकी रेवेन्यू बढ़ी है। इस बार की भी जो रेवेन्यू थी वो हाईएस्ट एवर थी और प्रॉफिट भी बात करेंगे ना, देखिए यहाँ पर 345 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था जो कि क्वार्टरली बेसिस पे 305 था वो 345 हो गया। ईयरली बेसिस पे 206 था 345। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे हाईएस्ट एवर नंबर आना मतलब कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है और अच्छे खासे लेवल पर मिल जाना ऐसे शेयर को, याद रखिए वो शेयर गोली होता हुआ दिखाई देता है, भागता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर ईयरली बेसिस पे बात करें कंपनी का, ईयरली बेसिस परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है, ये उसका एक सबूत भी दूंगा। यहाँ पर देखिए रेवेन्यू, तो रेवेन्यू यहाँ पर आप देखिए कंपनी का रेवेन्यू 2014 से 2021 लगभग लगभग कितने साल हो गए, 7 साल हो गए। 7 साल में कंपनी लगभग 8 टाइम्स होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट लगभग डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, एज वेल एज यहाँ पर बात करें रिजर्व्स की, कंपनी के रिजर्व्स यहाँ पर देखिए अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पर 39 करोड़ नेगेटिव था, 7 साल में यहाँ पर 6,046 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें, कंपनी ने 19 करोड़ की बोरिंग दे रखी है। जितने भी बोरिंग यहाँ पर देगा वहां से यहाँ पर प्रॉफिट होते ही है। यहाँ पर कुछ और पैरामीटर की बात करें, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 98 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कैश की बात करें, कंपनी का 727 करोड़ रुपीस का कैश और काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, टाई अप कर रखा है। दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट। एंड बात करें कुछ और पॉइंट्स की, जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है, हमेशा यहाँ पर नेगेटिव आया बट मार्च में यहाँ पर पहली बार पॉजिटिव आया 692 करोड़। यहाँ पर आरओई यहाँ पर थोड़ी सी घटती हुई नजर आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडमिक। यहाँ पर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग, प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर देखिए 69.37% है। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई थी, फिर उसके बाद इनकी होल्डिंग कम होती हुई दिखाई दी है थोड़ी सी। FIs की बात करें, FIs ने इस क्वार्टर में होल्डिंग बढ़ाई है। DIs की बात करें 6.69 से 9.71 हो गई है, मतलब यहाँ पर 3.02% की होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास से शेयर यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जब यहाँ पर शेयर जाते हुए दिखाई देते हैं रॉकेट बनता है, याद रखिएगा शेयर रॉकेट बनता है, थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं एक ग्रुप की, यहाँ पर देखिए ये CA रोवर ग्रुप है, ये कार्लिल ग्रुप है एक्चुअली। इसने हमेशा देखिए अच्छी खासी होल्डिंग थी इसकी, और इसकी जो होल्डिंग थी बिफोर यहाँ पर IPO आया था उससे पहले की थी। इसने जितने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए ना 2 से 5 साल के अंदर अंदर, उससे ज्यादा यहाँ पर 5 साल में इसने डबल से ट्रिपल पैसा बनता हुआ इस पर्टिकुलर कंपनी में होता हुआ दिखाई दिया है। 2000 करोड़ के तो इसने शेयर खरीदे थे, आई थिंक 2 के 4 हो गए थे, और वो भी कुछ ही टाइम में। यहाँ पर अभी भी इसके पास 3.10% की होल्डिंग पड़ी है। इस क्वार्टर में इसने होल्डिंग बढ़ाई थी इसलिए शेयर यहाँ पर 1100 से यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दिया था। तो अच्छा खासा मौका मिल रहा है। पब्लिक के पास कितने परसेंट की होल्डिंग है, 7.86 में से 3.10 घटा लेना तो आपको पता चलेगी 4.76% की होल्डिंग ही केवल किसके पास है, यहाँ पर पब्लिक के पास नजर आती है। तो यहाँ पर काफी यहाँ पर कम यहाँ पर होल्डिंग नजर आती है पब्लिक के पास, और पब्लिक में भी बड़े बड़े लोगों के पास ही है, हम लोगों के पास थोड़े बहुत शेयर नजर आते हैं। तो SBI कार्ड्स को यहाँ पर अपने रडार पे रखिए, ध्यान दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर चार्ट की बात करें तो देखिए थोड़ा सा और ये शेयर गिर सकता है, बट उसका वेट मत करिएगा क्योंकि यहाँ पर मार्केट जैसे ही रिकवर होगी, याद रखिएगा ये शेयर फिर रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर बात करूँ सपोर्ट की, 1010 का यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि 18 रुपए नीचे है। ओके, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिएगा। इसके अलावा अगर और भी ज्यादा यहाँ पर अगर गिरता हुआ नजर आता है तो फिर यहाँ पर 938 तक आ सकता है, बट इतना गिरना ना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब भी ये 200 DMA के आसपास आया है, अभी भी ये 200 DMA के आसपास है, जब भी आता है यहाँ से सीधे भागता हुआ नजर आता है। एक ही साथ कितने कितने परसेंट के रिटर्न देखें, यहाँ पर 200 DMA के आसपास था,
तो हम अगर बात करें कुछ दिन के अंदर अंदर ही कितने परसेंट के रिटर्न देती है, 14% के रिटर्न। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर हर बार इसी तरीके से काम करता हुआ नजर आता है। जब भी यहाँ पर 200 DMA के आसपास आता है, 200 DMA से यहाँ पर भागता हुआ दिखाई देता है, कभी 20%, कभी 22%, कभी 14% इस तरीके के रिटर्न देता हुआ नजर आता है। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, कंपनी यहाँ पर देखेंगे तो ये शेयर यार इस प्राइस पे कब था। यहाँ पर देखिए जो ये प्राइस चल रहा है अभी इस प्राइस पे कब था, ये था 22 जनवरी 2021। तो जनवरी से अभी तक बात करें तो लगभग 11 महीने हो चुके हैं। ओके, 10 महीने मान लीजिए, तो यहाँ पर 10 से 11 महीने के अंतर में देखे तो कंपनी केवल कंसोलिडेट कर रही है, ऊपर नीचे घूमती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर जब हाईएस्ट एवर नंबर्स आ रहे हैं ना, तो याद रखिए शेयर किस दिन गोली हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगी यहाँ पर। और ये शेयर इस बार का जब टारगेट आएगा काफी बेहतरीन टारगेट आएगा। अब टारगेट्स की भी अगर बात कर ले तो टारगेट यहाँ पर 1500 और 2000 रुपीज से पहले ये रुकने वाला नहीं है शेयर, जिस तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है। ये अलग अलग चार्ट पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते चार्ट पैटर्न, देखिए एक यहाँ पर इसने कप बनाया, कप बनाने का इसने यहाँ पर एक हैंडल बनाया, हैंडल बनाने का फिर यहाँ पर इसने एक और हैंडल बनाया, निकलने की कोशिश करी ऊपर बट निकल नहीं पाया। ओके, कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर से फिर दोबारा ये ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और चीजें इस बार जब इस तरीके की चीजें यहाँ पर बनती है ना, काफी बार कर लेगी तो फाइनली यहाँ निकल जाती है। एक तो कंसोलिडेशन, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन, ऑलरेडी शेयर जो उसे बेचने थे वो बेच चुके हैं, हाईएस्ट यहाँ पर ऑल टाइम हाई यहाँ पर नंबर पेश कर रही है कंपनी। तो ये चीजें अब यहाँ पर भागती हुई नजर आएगी, और जब भागती हुई नजर आएगी तो इसके टारगेट क्या नजर आएंगे, इसके टारगेट नजर आएंगे काफी बेहतरीन, जो कि कितने हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, काफी बेहतरीन यहाँ पर टारगेट नजर आते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसे थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और देखते हैं, तो कंपनी के टारगेट वही जो मैं आपको बता रहा था 1400-1500 के आसपास, तो इतने ही टारगेट बन के आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें 1400 तक अगर ये शेयर जाता है तो यहाँ पर कितने परसेंट के रिटर्न बनते हैं, तो यहाँ पर ये 34-36% के रिटर्न मिलते हैं। 6 महीने में भी अगर ये रिटर्न मिल जाते हैं, जो कि मिल जाने चाहिए, तो कोई बुरे यहाँ पर रिटर्न नहीं है, याद रखिए। और बिलीव भी इस बार ये शेयर यहाँ पर गोली होता हुआ नजर आ सकता है, तो थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दीजिए, ये शेयर काफी बेहतरीन है। और यहाँ पर मैंने एक चीज और सिखाई थी अपने टेक्निकल उसमें, कि ये बार बार यहाँ पर ट्रिपल और क्या होता है फोर्थ बॉटम बना के निकलता हुआ शेयर ऊपर नजर आता है। जब इस तरीके की चीजें यहाँ पर बार बार टच करती है तो ऊपर की तरफ निकलती है। और भी एग्जाम्पल अगर इस तरीके के चाहिए तो इस तरीके के मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख लीजिए, रिलायंस को देख लीजिए, इस तरीके से 3-4 बार यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर निकली है चीजें। तो 36% के रिटर्न के लिए यहाँ पर आप जा सकते हैं। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करें, जितना हो सके हमें सपोर्ट करें। और हमारी फाइनेंशियल सर्विस चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।